हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परमुटेशन में एक्सरसाइज 7.3 को देखेंगे। तो उसके पहले कुछ आर्टिकल्स हैं, उनको ज़रा देखें। तो सबसे पहले एनपीआर, इसका मान कितना होता है इसको नोट कर लें। इसके आधार पर हमको क्वेश्चन देखना पड़ेंगे। इसके पर्टिकुलर केस में यदि हम आर की वैल्यू एन रख देते हैं तो एनपीएन फैक्टोरियल एन अपॉन एन रखने पर एन माइनस एन जीरो हो जाएगा, फैक्टोरियल जीरो। और फैक्टोरियल जीरो का मान कितना होता है? वन। तो इसका मान आएगा फैक्टोरियल एन, इसको नोट कर लें। और यदि आर की वैल्यू जीरो रख देते हैं तो यह वैल्यू आएगी आपकी वन के इक्वल। ये दो कंडीशंस हैं, इनको नोट कर लें। अब हम आते हैं प्रमेय टू, थ्योरम टू। इसमें यदि एन वस्तुओं में से एक समय में आर वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या, यदि वस्तुओं की पुनरावृत्ति हो तो इसका क्या मान होगा? एन की पावर आर, क्या मान होगा? और यदि इसका उदाहरण देखिए, हमने एक एग्जाम्पल वन लेके चल रहे हैं कि रोज, रोज में कितने अक्षर हैं? चार। तो अब इसमें दो शर्तें हैं कि यदि अक्षों की रोज में कितने अक्षर हैं? चार, ठीक है। यदि पुनरावृत्ति ना हो तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? शब्दों की संख्या कितना हो जाएगा? 4P4। इसका मान होगा फैक्टोरियल 4 और इसका मान 24। और पुनरावृत्ति हो सके हो तो शब्दों की संख्या क्या हो जाएगा? 4 की पावर 4, 256। तो यह दोनों में अंतर ध्यान रखना। अगर कोई इसमें अक्षर की अगर रिपीट करने की अनुमति है तो एन की पावर एन का फॉर्मूला लगाएंगे, और यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो हम एनपीआर का फॉर्मूला लगाएंगे। ये दोनों में अंतर ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एन वस्तुओं, यदि पी वस्तुएं समान प्रकार की हो तो कितना होगा इसका? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी। और एन वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या, यदि उसमें से एन वस्तुओं में से पी वस्तुएं एक प्रकार की हैं, पी टू दूसरे प्रकार की हैं, पी के अलग प्रकार की हैं, अलग अलग समूह है जहां एक सी संख्या है, तो इसमें क्रमचयों की संख्या का फॉर्मूला हो जाएगा आपका फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी वन फैक्टोरियल पी टू फैक्टोरियल पी के। ये दोनों फार्मूले को आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको 1 से 9 तक, प्रश्नावली 7.3 देख रहे हैं, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 3 अंक की संख्या बन सकती है? तो संख्याओं की संख्याएं कितनी संख्या बन सकती है उसका हो जाएगा आपका टोटल अंक कितने? 9, 9P3। इसको सॉल्व कर लीजिए, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6। इसको सॉल्व करिएगे, 9 × 8 × 7 × फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया, आपका आ गया 9 × 8 72 × 7, 7 × 2 14,
रिमेनिंग वन और ये 504, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी अंक को दोहराए बिना चार अंकीय संख्या होती है, तो हम यहां देखते हैं इसका आंसर ये है आपका, रिपीट नहीं करना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, NPR। इसमें n इक्वल टू भी 4 है और r इक्वल टू भी 4 है, तो कितना हो जाएगा इसका संख्याएं कितनी होगी, 4p4 का मान आपका आ जाएगा फैक्टोरियल 4, तो सॉल्व कर लेंगे 4 × 3 × 2 × 1, तो 12 × 2 = 24, टोटल संख्या कितनी हो सकती है 24। ठीक है, अब हमको यहां पर यह स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें हमको n का मान ज्ञात करना है, तो आप इसको थोड़ा सिंपल करेंगे, यहां आ जाएगा आपका फैक्टोरियल n-1 upon factorial n-1 -3, और इसका तो इसको चालू कर दिया, यहां आ जाएगा आपका फैक्टोरियल n-4, तो इसको थोड़ा सिंपल कर लीजिए, यह हो जाएगा फैक्टोरियल n-1 upon factorial n-4 into factorial n-4 upon factorial n equal 1/9, यह वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यह वैल्यू आ जाएगी आपकी फैक्टोरियल n-1 and n-1 equal 1/9, तो यह फैक्टोरियल n-1 कैंसिल हो गया, तो यहां क्लियर है n इक्वल टू 9, आपका यह आंसर हो गया। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको इसमें r की वैल्यू ज्ञात करना है, यदि ये दो क्वेश्चन है को लेके चलते हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे, तो 5pr फैक्टोरियल 5 upon factorial 5-r, यहां आ जाएगा आपका 2 into factorial 6 upon factorial 6 - r-1, तो थोड़ा सिंपल कर लेंगे, फैक्टोरियल 5 upon factorial 5 - r equal 2 into 6 into factorial 5 upon factorial, ये हो जाएगा आपका 6 - r-1, तो ये हो गया आपका 7 - r, और फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया। क्लियर। तो अब हम देखते हैं, यहां आपकी वैल्यू है 1 upon factorial 5 - r, यहां पर वैल्यू है आपकी 2 × 6 = 12, और यहां आ जाएगा आपका 7 - r, इसका नेक्स्ट क्या होगा, एक कम होगा 6 - r, इसके बाद आएगा आपका फैक्टोरियल 5 - r, तो हम देखते हैं कि फैक्टोरियल 5 - r और फैक्टोरियल 5 - r कैंसिल हो गया, आपकी जो वैल्यू आएगी 7 - r × 6 - r = 12, को हमको सिंपल करना है, तो आप मल्टीप्लाई करिए, (6 × 7) = 42 - 6r - 7r + r² = 12, तो और सिंपल करते हैं, r²
यहां देखते हैं कि 7 इंटू 7 एंड 6 13 आर, 42 को हम लेफ्ट में जाएंगे तो यहां बचेगा आपका 30। जीरो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको फैक्टराइज करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम देखते हैं आर स्क्वायर माइनस 10 टू, इसमें से आर कॉमन निकल गया आर माइनस 10 और 3 कॉमन निकल गया आर माइनस 10 इक्वल जीरो। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे आर माइनस 10 आर माइनस 3 इक्वल जीरो। तो आर की दो वैल्यू मिलेंगी आइदर या तो 10 होगी या 3। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपको सेकंड क्वेश्चन भी करना है। क्लियर? ओके, थैंक यू।